नहा भी लिया, कपड़े भी धो लिए, अभी जो है मैं सोने वाला हूँ क्योंकि मेरी आंख जो है वो लाल हो चुकी है। सोया नहीं हूँ मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था अपनी वीडियो पे। तो मैं अभी चेन्नई में हूँ एंड मैं यहाँ पे कैसे आया ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा सबका। सो वो चेन्नई में मैं आया हूँ, एक सस्पेंस है। किसी ने मुझे मेल किया कि आपके लिए मैंने चेन्नई में एक होटल में रूम बुक किया है और आपको वहाँ पे मतलब आप रह सकते हो, अगर आप चाहो तो रह सकते हो यहाँ पे आके। तो मैंने थोड़ा सा मतलब पहले तो फेक मुझे लगा कि कुछ फेक होगा, बट फिर जब मैंने कॉल किया होटल में तो मालूम पड़ा कि नहीं, ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, ये सब कुछ ऐसा मतलब हुआ। एंड फिर मैं यहाँ पे आया तो मतलब ये रूम था एंड ये जो है 4 दिनों के लिए मतलब बुक्ड है, मतलब 4 दिन मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। और अभी तक सस्पेंस नहीं मालूम पड़ा है कि वो कौन था, क्योंकि मेल जो है वो काफी अजीबोगरीब मेल आईडी से आया था, तो मुझे अभी नहीं पता है। बट मैं अभी भी यहीं पे स्टे कर रहा हूँ 4 दिन तक एंड यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ मैं 4 दिन बाद। लेकिन सबसे पहले चेन्नई एक्सप्लोर करेंगे। आज बाहर जाने वाला हूँ मैं चेन्नई में, देखते हैं कहाँ कहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है, क्या कौन से प्लेसेस है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब प्रिटी लग रहा है सब कुछ बाहर, तो जाके देखते हैं पहले क्या क्या है बाहर। तो इसको निकाल दूंगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये जो है लॉक हो गया, तो अभी जो है फ़ोन में एक्चुअली चार्जिंग नहीं है, मैंने रात को चार्जिंग नहीं की थी फ़ोन में। तो अभी जो है मैं कुछ खाने का लेने को जा रहा हूँ, तो अब मैं जाऊँगा कुछ ले, देखते हैं खाने में मतलब कुछ नाश्ता वगैरह, कुछ ब्रेड वगैरह ले लेंगे और वही खा लेंगे, क्योंकि अभी आज निकलना है शूट के लिए। कुछ जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल गया यहाँ पर। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर जाना है मुझे, तो जाते हैं। तो ये है स्टेशन चेन्नई मोरे करके। तो मैंने ये ब्रेड लिया, 40 रुपए का ब्रेड है ये। तो मैंने जो है उनसे वो दूध मंगाया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो अंकल ने मेरे को छाछ दे दी, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी छाछ ये सब मतलब मुझे दूध चाहिए था, बट ठीक है अभी इसे काम चलाना पड़ेगा, यही खा लेंगे। तो अभी मैंने खा लिया और पैसे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले मेरे पास, ज्यादा नहीं, अभी 50-60 रुपए है बस खाली। तो अभी चार्जिंग करनी है प्लस एक वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद थोड़े टाइम में मतलब 4:30 बजे तक मैं निकलूंगा यहाँ से बाहर एक्सप्लोर करने के लिए चेन्नई में। सो लेट्स सी, देखते क्या क्या है यहाँ पे नई नई चीजें एक्सप्लोर करने। तो मैं जो है वो एडिटिंग ही कर रहा हूँ गाइस, एडिटिंग और एक्सपोर्टिंग में ही मेरा पूरा टाइम जा रहा है। लेकिन आज तो नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मैं अभी कल मॉर्निंग में पूरा का पूरा चेन्नई एक्सप्लोर करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और मुझे एक्चुअली शाम हो गई काम करते करते, मुझे टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा। तो मैंने कम से कम मेरी काफी सारी वीडियोस एडिट कर दी, काफी सारे एपिसोड जो है वो एडिट कर दिए, तो अभी वो काम एक खत्म हो गया मेरा। सो अभी जो है कल मॉर्निंग से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे चेन्नई के लिए, पूरा चेन्नई जहां भी जाना है वहां पे एक्सप्लोर कर देंगे मॉर्निंग में सब कुछ, एंड उसके बाद शाम को कुछ होने वाला है, सो देखते हैं। तो आज जो है वो चेन्नई घूमना है, क्योंकि जो मुझे मेल आया था वो फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरा एक दोस्त है पुराना, उसने मेरे लिए यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट की थी बुकिंग की। सो आई एम सो हैप्पी कि कोई मुझे मतलब इतना ये करता है। सो अभी वो आज आने वाला है मिलने के लिए, सो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मिलने के लिए आ रहा है। एंड अभी जो है यहाँ पे चेन्नई में स्टेशन बहुत यूनिक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे नियर बाई। एक पार्क भी है तो वहाँ पे जाने का प्लान है। सोचा नहीं था मैं कभी चेन्नई के होटल में, आई मीन 2 स्टार 3 स्टार जो भी हो,
मैं कभी भी चेन्नई के होटल में कभी स्टे करूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे एक आश्रम था वैसे, वहाँ पे जाने का प्लान था, लेकिन ठीक है अभी दोस्त की बदौलत कि मुझे यहाँ पे रहने मिल रहा है, एंड वो जब आएगा तब उसके साथ भी कुछ एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, तो वो भी कर लेंगे साथ में। सो ये है चेन्नई का स्टेशन, ये काफ़ी खूबसूरत है, एंड ये जो है एक मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है, जैसे कि आप यहाँ फ्लैग है पूरा और बाजू में पूरे पेड़ पौधे हैं, और मतलब निकलने का राजा जहाँ पे रास्ता है वहाँ पे पूरा पेड़ पौधे हैं। सो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है। ये है एग्जैक्टली स्टेशन, यहाँ से एंट्री होती है। सो देखो ये लोग मतलब साउथ में एक चीज़ है कि ये लोग बहुत प्यार करते हैं पेड़ पौधों को। तो ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी हिस्टोरिकल टाइप काइंड ऑफ बनाया हुआ है स्टेशन चेन्नई इग्मोरे। अभी जो जा रहे हैं वो एक पार्क है, और पार्क में जाएंगे, देखते हैं कि वो पार्क जो है बड़ा यूनिक पार्क है, बड़ी मतलब बोलते हैं कि सबसे यूनिक पार्क है यहाँ चेन्नई का। तो वहीं पे जाने का प्लान है, मैं उल्टा जा रहा हूँ, इस तरफ जाना है। तो उस पार्क में जाएंगे, देखेंगे थोड़ा बैठेंगे बैठेंगे वहाँ पे, पानी वानी पियेंगे, घूमेंगे पूरा, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है वहाँ पे। तमिलनाडु पुलिस म्यूजियम जाने का मन तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे म्यूजियम में चार्जेस होते हैं, पैसे लेते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, तो मुझे जाके मतलब वहाँ पे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, जेब में अभी तो पैसे है ही नहीं, तो कहाँ से मैं पैसे कर पे करूँगा। तो बहुत धूप है यहाँ पे, मुझे लगा था बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं है चेन्नई में। तो अभी वेट कर रहा हूँ कि बारिश आए, थोड़ा सा अच्छा फील हो, थोड़ा ठंडा फील हो, तो मतलब ट्रैवलिंग करने में ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन अभी जो है वो धूप ही लिखी है किस्मत में, धूप ही गिरेगी, तो देखते हैं कब तक धूप आती है, क्योंकि अभी बारिश का माहौल होने ही वाला है। एंड बस कुछ देरी की मतलब ऐसे है, कुछ देर है, उसके बाद तो बस बारिश ही बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे। सो अभी जो है मैं चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, एंड अभी थोड़ा छाँव में आया, कब का धूप में मर रहा था उस तरफ में। अभी जो है बस कुछ टाइम में पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ पे। तो बस अब चले जा रहे, और बहुत दिन हो गए मतलब ऐसे मैंने वॉक नहीं की है, कम से कम 2-3 दिनों से वॉक नहीं करी है। केरला में था वहाँ भी कोई वॉक नहीं करी थी। सो ये है आर्ट गैलरी, लेकिन यहाँ भी मुझे मतलब लग नहीं रहा कि मिलेगा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये लोग भी पैसे लेते हैं गाइस, जो मेरे पास है नहीं, तो मैंने जितना भी बाहर का एक सीन ले लिया, टिकट का पैसा है कुछ, और शायद शूट करने मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो यार क्या मतलब है जाके यहाँ पे। एक शायरी सुनी मैंने अभी अभी जो काफ़ी रिलेट करती है मेरे साथ। शायरी ये है कि कुछ को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कुछ हमारी तरह जिंदगी भर सफर में रहे। तो मैं अभी पीने के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ, बट पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी फ्री में पानी भी नहीं मिलता गाइस। मतलब आपको मतलब मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो लोग मतलब पैसे मांगते हैं। तो अपने मुंबई में जैसा नहीं है यहाँ पे कि भाई पानी पी लो, बट यहाँ पे होटल में जल्दी पानी नहीं मिलता, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे पानी पी लूँ हेल्प मांगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आ रही है। तो पानी देखता हूँ मैं। तो एक्चुअली मुझे थकान ज़्यादा हो रही है आज, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वॉक कर रहा हूँ। आई मीन 3 दिन मैंने आराम किया है, और 3 दिन के बाद वॉक कर रहा हूँ, तो ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बस बैठ जाओ कहीं पे। तो ये मेरी जो ट्रेनिंग थी वॉकिंग की, वो कहीं ना कहीं छूट गई है, एंड अच्छी जगह पे रहना शायद मुझे राज नहीं है। तो अभी जो है मैंने को डिसाइड किया है, जो मैं अनाउंस करूँगा बहुत ही जल्दी। सफ़र में रहना बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि आप जो है वो बहुत कुछ सीखते हो सफ़र में रहने से, और अगर मंजिल जल्दी मिल जाती है तो आपको वो सफ़र का जो मज़ा है वो आप नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ मेरी ज़िंदगी से, जो भी मुकाम पे हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में ठीक ही कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मंजिल मिले ना मिले ये रास्ते जो है मुझे बहुत कुछ सिखा रहे, एंड मैं इनसे बहुत खुश हूँ। तो मैं अभी पार्क के पीछे ही खड़ा हूँ, लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ पे भी साला पैसा लेते हैं, समझ में नहीं आता, हर जगह पे पैसा ले रहे हैं पार्क का या फिर कोई भी चीज़ का। तो बिना पैसों के तो मैं कहीं पे घूम नहीं पाऊँगा। अब देख लेते हैं बाहर से थोड़ा बहुत, मैं व्यू दिखा देता हूँ, अंदर तो नहीं जा पाऊँगा, पैसे है नहीं मेरे पास, देखते हैं। है पूरा पार्क, यहाँ से एंट्री होती है, पता नहीं क्या लिखा है। एक अद्भुत सा प्राणी देखा मैंने, प्राणी मतलब एक क्या है पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पे,
पता नहीं है क्या है।